Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 की रशियन यूक्रेनियन वॉर फिल्म बैटल फॉर सेवास्टोपोल के बारे में, जो सच्ची कहानी है ल्यूडमिला पावलिचेंको नाम की एक सोवियत औरत की, जिसने वर्ल्ड वॉर टू की जंग में हिस्सा लिया था और उस वॉर की सबसे खतरनाक स्नाइपर्स में से एक बन गई। वो एक ऐसी स्नाइपर थी जिसने 309 सिपाहियों को मारा था, और एक औरत का इतने सिपाहियों को मारना कोई मामूली बात नहीं थी। दुनिया में इस चीज के लिए उसकी तारीफें तो हो रही थी, पर कोई उसकी कहानी और उसकी तकलीफें नहीं जानता था। 1937 में ल्यूडमिला और उसकी दोस्त ने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स पास कर लिए थे और वो इस बात से खुश थी। पर जब वो इस बात को अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए निकल रही थी तो उसके पिता घर आए। जब उसने अपने पास होने की खबर उन्हें बताई तो उनका रिएक्शन कुछ खास नहीं था। वो चाहती थी कि उसके पिता भी उनके साथ सेलिब्रेट करे, पर उन्होंने कहा कि उन्हें घर आने में देरी होगी। ल्यूडमिला अपने दोस्तों से अलग थी क्योंकि जहां उन्हें फिल्में देखने का शौक था, ल्यूडमिला को शूटिंग रेंज पर गोलियां चलाने का शौक होने लगा। उसके दोस्त उसकी इस चाह का मजाक बनाया करते थे, पर फिर ल्यूडमिला ने उन्हें दिखाया कि वो भी बंदूक का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसने पहली बार बंदूक चलाना सीखा और पहली ही कोशिश में वो अपने दोस्तों से बेहतर निशाना लगाने में कामयाब हो गई। और उसका ये टैलेंट देखकर उसे रेड आर्मी का बुलावा आया, जिन्होंने उसे एक शार्प शूटिंग प्रोग्राम के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया। ल्यूडमिला की माँ इस बात से खुश नहीं थी और जानती थी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने बचपन से उसे एक लड़के की तरह पाला है। 1941 में ल्यूडमिला अपनी दोस्त के साथ पढ़ाई कर रही थी, पर उसकी दोस्त माशा का ध्यान सिर्फ अपने लिए एक लड़का ढूंढने पर था। ल्यूडमिला को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर माशा और सोनिया के कहने पर वो लोग एक दिन बीच पर गए, जहां उनसे सोनिया का भाई बोरिस मिलने आया, जो कि एक डॉक्टर है। सोनिया चाहती थी कि बोरिस और ल्यूडमिला शादी करे, पर वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। कुछ वक्त बोरिस के साथ बिताने के बाद सोनिया ने ल्यूडमिला को अपने घर खाने पर बुलाया, जहां उससे बोरिस के माता पिता मिले। वो सब चाहते थे कि ल्यूडमिला बोरिस से शादी करे। ल्यूडमिला भी इस शादी के लिए तैयार होने ही वाली थी कि तभी रेडियो पर वॉर के शुरू होने की खबर आई और उसने जंग में हिस्सा लेने की ठान ली। बोरिस चाहता था कि वो ऐसा ना करे क्योंकि जंग में एक औरत का कोई काम नहीं, पर ल्यूडमिला के पिता भी चाहते थे कि वो इस जंग में लड़े और वो खुद भी यही चाहती थी, इसलिए उसने बोरिस को छोड़ दिया और वहां से जंग के लिए चली गई। उस दिन के बाद एक ही साल में ल्यूडमिला को लोग लेडी डेथ के नाम से जानने लगे, और अमेरिका के प्रेसिडेंट की पत्नी जानना चाहती थी कि उस एक साल में ऐसा क्या हुआ, और वो ल्यूडमिला को ठीक से समझना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे व्हाइट हाउस में रहने के लिए बुलाया। 1941 में ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों के साथ सख्त बर्ताव हुआ करता था और उनसे वो हर चीज छीन ली गई जो उन्हें लड़की होने का एहसास दिलाती है। दूसरों के साथ साथ ल्यूडमिला को भी एक ऐसी ट्रेनिंग दी गई जो किसी के लिए आसान नहीं थी। पर ट्रेनिंग के दौरान ल्यूडमिला ने अपने आप को साबित किया और फिर उसे शूटिंग के टैलेंट को दिखाने का मौका दिया गया। कुछ वक्त बाद उन सबको जंग में हिस्सा लेने के ऑर्डर्स दिए गए, पर उनका कमांडर जानता था कि उनकी शूटिंग ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। उसे भरोसा था कि ल्यूडमिला उससे बेहतर सिपाही बनेगी, और यही बात उसने अपने सुपीरियर से कही। वॉर के दौरान तैयारी करते वक्त अचानक उन पर हवाई हमला हुआ। और वो सारे सिपाही जो अब तक पूरी तरह तैयार भी नहीं थे, वही फंस गए। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया और बहुत से सिपाहियों की जान चली गई। तब किसी तरह अपने आप को संभाल कर ल्यूडमिला ने एक स्नाइपर राइफल उठा लिया और टैंकर का इस्तेमाल कर रहे दुश्मन को उसने मार गिराया। अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखने के बावजूद वो डरी नहीं और दुश्मनों से लड़ती रही। और ल्यूडमिला और उसका एक साथी दुश्मनों को खत्म करने में कामयाब हो गए। उसके पिता के बारे में हर कोई जानता था और उन्हें डर था कि ल्यूडमिला भी अपने पिता की तरह ही एक निर्दय सिपाही बनेगी, इसलिए उस पर नजर रखने के लिए कहा गया। ल्यूडमिला को अपने साथ काम कर रहे स्नाइपर
माकारोव से प्यार होने लगा था और यही बात उसने माशा को बताई। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और माकारोव को ल्यूडमिला की निडर हरकतों की वजह से उसकी फिक्र होने लगी। एक तरफ जहां माशा लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगी थी, तो दूसरी तरफ ल्यूडमिला सिर्फ और सिर्फ नाजी इसको खत्म करना चाहती थी। वो इंसानों को सिर्फ टारगेट की नजर से देख रही थी और उन्हें मारने में उसे मजा आने लगा था और ये बात माकारोव को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक रात माशा से मिलने उसका बॉयफ्रेंड आया, जिसके साथ वो आदमी था जो ल्यूडमिला को पसंद करता था। जब उस आदमी ने उस रात उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो ल्यूडमिला ने उसे बुरी तरह पीटा। उस वक्त माकारोव को समझ आया कि वो भी ल्यूडमिला से प्यार करता है, पर उसने अपने आप से वादा किया है कि वो कभी किसी के साथ नहीं रहेगा। उसने अगले दिन ल्यूडमिला से कहा कि वो नहीं चाहता कि वॉर की वजह से वो ल्यूडमिला को खो दे, पर उसने माकारोव की बात नहीं सुनी। ठीक उसी वक्त उन पर अटैक हुआ जिससे ल्यूडमिला घायल हो गई। किसी तरह उसे बचाकर माकारोव उसे कैंप में लाया, जहां बोरिस ने उसका इलाज किया। सारे सिपाहियों को सेवास्तोपोल भेजा जा रहा था और उनके साथ ल्यूडमिला भी थी, जिसका ख्याल बोरिस रख रहा था। तब उनके शिप पर एक और अटैक हुआ। और उन अटैक्स का उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। वो सारे लोग सही सलामत सेवास्तोपोल पहुंच गए और कुछ दिनों बाद उन्हें खबर मिली कि दूसरे सिपाही भी वहां आने वाले हैं। ल्यूडमिला माकारोव के आने का इंतजार करती रही, पर फिर उसे खबर मिली कि माकारोव जंग में मारा गया। और तब ल्यूडमिला ने ठान लिया कि वो हर एक नाजी को मार गिराएगी। 1942 में ल्यूडमिला को व्हाइट हाउस में बुलाने का मकसद प्रेसिडेंट की पत्नी का ये था कि वो चाहती थी ल्यूडमिला एक औरत बनकर रहे, क्योंकि आज तक किसी ने उसके अंदर की औरत को नहीं देखा है और उसे सिर्फ एक सिपाही की नजर से देखा है। पर ल्यूडमिला जानती है कि जब भी उसने अपने आप को बदलने की कोशिश की, वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई। वॉर के दौरान उसकी मुलाकात कैप्टन लियोनिड से हुई, जिसने देखा कि ल्यूडमिला को दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारना पसंद है। उसने उसे समझाया कि ऐसा करके वो दुश्मनों जैसी बन रही है, और उस दिन के बाद वो दोनों साथ काम करने लगे। लियोनिड ने धीरे धीरे उसे फिर से इंसानियत सिखाना शुरू कर दिया और जल्द ही उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो गया। उन दोनों ही स्नाइपर्स का सेवास्तोपोल में दुश्मनों को आने से रोकने में बहुत बड़ा हाथ था, और सेवास्तोपोल से हिटलर के सिपाहियों को भगाने में वो दोनों कामयाब रहे। बोरिस अब भी ल्यूडमिला से प्यार करता था, पर वो समझ चुका था कि वो लियोनिड से प्यार करती है, और लियोनिड ने भी सबके सामने ये साबित कर दिया कि वो भी उससे प्यार करता है। 1942 में प्रेसिडेंट की पत्नी यानी कि फर्स्ट लेडी के कहने पर ल्यूडमिला को स्पीच देने के लिए बुलाया गया, जहां उसने फर्स्ट लेडी के कहने पर एक ड्रेस पहनी, पर रेड आर्मी की तरफ से आया सुपीरियर चाहता था कि वो आर्मी यूनिफॉर्म ही पहने। उस वक्त एक मशहूर सिंगर उसके पास आया, जिसने ल्यूडमिला की बहादुरी पर एक गाना लिखा था, पर उस गाने को सुनकर ल्यूडमिला सिर्फ वही वक्त याद कर रही थी जो वक्त उसने लियोनिड के साथ लड़ते हुए बिताया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, और फिर एक दिन माशा ने उसे और लियोनिड को अपनी शादी का न्योता दिया। वो दोनों ही कुछ दिनों बाद शादी के लिए माशा के पास गए, पर वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि माशा का बॉयफ्रेंड जंग में ही मारा गया था। वो उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बच्चा चाहती थी। माशा को देखने के बाद ल्यूडमिला ने लियोनिड से कहा कि वो भी एक बच्चा चाहती है, क्योंकि वो अब और अकेले नहीं रहना चाहती, पर लियोनिड ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, और इस बात से ल्यूडमिला बहुत नाराज हुई। स्पीच से पहले ल्यूडमिला का सुपीरियर फिर से उसके पास आया और उसने उसे जबरदस्ती यूनिफॉर्म पहनने के लिए कह दिया, जिसके बाद ना चाहते हुए भी ल्यूडमिला को उसकी बात माननी पड़ी। उस वक्त फर्स्ट लेडी ने देखा कि ल्यूडमिला के शरीर पर कितनी चोटें आई हैं। जिस लड़की की बचपन से रक्षा की जानी चाहिए थी, उस लड़की को बचपन से ही मर्दों के कहने पर उन्हीं के जैसा बनना पड़ा, पर अब वो ये सब कुछ और नहीं सह पा रही थी। उसे याद आया कि एक दिन उस पर और लियोनिड पर अटैक हुआ, और उस अटैक में ल्यूडमिला को बचाते हुए लियोनिड की मौत हो गई, और तब ल्यूडमिला की पीठ पर वो सारी चोटें आई। खुद घायल होने के बावजूद वो लियोनिड को लेकर अपने कैंप तक पहुंची, और जब अगली सुबह उसकी आंखें खुली तो हॉस्पिटल में उसे बोरिस ने बताया कि लियोनिड की मौत हो गई। बोरिस जानता था कि ल्यूडमिला अब और नहीं लड़ सकती, पर सोवियत सिपाहियों ने अपने प्रोपेगेंडा को पूरा करने के लिए लेडी डेथ का इस्तेमाल किया और एक घायल और टूटी हुई ल्यूडमिला को उसी हालत में लड़ने के लिए भेज दिया। अपनी आंखों के सामने उसने लियोनिड की लाश को किसी बोरी की तरह अपने से दूर जाते हुए देखा, और तब वो फिर से वही सिपाही बन गई जिसे लियोनिड ने बदल दिया था।
ल्यूडमिला पूरे दिन एक दुश्मन स्नाइपर के इंतजार में बैठी रही, पर बुरी हालत की वजह से वो थक चुकी थी और उसने अपने आप को उस स्नाइपर के आगे झोंक दिया, पर यह सब कुछ उसकी चाल थी और वो उस दुश्मन को मारने में कामयाब हुई। सेवास्तोपोल पर फासिस्ट जर्मनी कब्जा करने वाली थी और सारे नागरिकों को वहां से निकाला जा रहा था। बोरिस इस कोशिश में लगा था कि वो घायल ल्यूडमिला को वहां से निकाल सके, पर ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं था। उस वक्त ल्यूडमिला को एहसास हुआ कि बोरिस उससे कितना प्यार करता है और वो दोनों अपने आने वाली जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। ल्यूडमिला ने ठान लिया था कि वो बोरिस से शादी करेगी, पर फिर उसे पता चला कि बोरिस ने उसे सही सलामत वहां से निकालने के लिए खुद के पेपर्स उसके नाम से दे दिए और खुद वही रुक गया। बोरिस शुरुआत से चाहता था कि ल्यूडमिला वॉर से दूर रहे और सुरक्षित रहे, और अब आखिरकार वो ऐसा करने में कामयाब हुआ। पर सेवास्तोपोल में जर्मनी से लड़ते हुए दूसरे नागरिकों के साथ साथ बोरिस और माशा की भी मौत हो गई, और 1942 में सोवियत सिपाही ल्यूडमिला को अपने प्रोपेगेंडा के टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। 25 साल की ल्यूडमिला ने सबको बताया कि उसने इतने दिनों में 309 सिपाहियों को मारा है, और फिर सामने बैठे मर्दों से उसने पूछा कि क्या उन्हें ये नहीं लगता कि वो मर्द सालों से उसके पीछे छिपकर बैठे हैं, और क्या उन्हें अब सामने आकर उसके जैसी औरतों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। ये सवाल सुनते ही हर किसी ने उसकी स्पीच को स्टैंडिंग ओवेशन दिया, सिवाय उन सोवियत सिपाहियों के जो ल्यूडमिला का सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। में वही फर्स्ट लेडी यानी कि एलेनोर रूजवेल्ट अपनी उस दोस्त से मिलने आई जिसे उन्होंने फिर से याद दिलाया कि वो एक औरत है और एक बेहतर जिंदगी जीना डिजर्व करती है, और एक बेहतर जिंदगी जीते हुए ल्यूडमिला आज अपने और लियोनिड के बेटे के साथ खुश है, और इस बात से सबसे ज्यादा खुश एलेनोर रूजवेल्ट है। हमारे व्यूअर्स की डिमांड पर हमने रेकमेंडेशन वीडियोस बनाना शुरू किया है, और उन वीडियोस को आप हमारे दूसरे चैनल इनसाइड अ मूवी पर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।